वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 मार्च, ऐतिहासिक दिन लखनऊ वालों के लिए, क्योंकि यहां पर डालीगंज मल्हौर दोहरीकरण के जो कार्य हुए हैं उसका आज सीआरएस निरीक्षण है। पार्ट वन में आपने देखा डालीगंज जंक्शन पर क्या कुछ तैयारियां चल रही थी, रात में 2 मार्च की रात किस प्रकार का जंक्शन लग रहा था और लोको ट्रायल शुरू हो गया, लोको निकल चुका था, यहाँ तक आपने पार्ट वन में देखा। अब पार्ट टू सीआरएस इंस्पेक्शन का देखते हैं। इसमें आप देखिए किस प्रकार से सीआरएस साहब ने डालीगंज में निरीक्षण किया और उसके बाद ट्रॉली से, मोटर ट्रॉली से किस प्रकार से ये सीआरएस निरीक्षण शुरू हुआ, इसकी झलक देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट टू। तो सामने आप देख सकते हैं डालीगंज जंक्शन पर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी लतीफ़ खान जी ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। लगभग 11:15 बज रहे हैं सुबह के और सामने पहले वो स्टेशन मास्टर के कक्ष में गए जहाँ पर हमारा पैनल रूम आप कह सकते हैं एक प्रकार से वहाँ पर लगा होता है पैनल, जिसमें गाड़ियों की जो स्थिति है, सिग्नल ट्रैक्स की सब एक बड़ी सी स्क्रीन पर नज़र आती है और यहाँ पर जो स्टेशन संबंधित जानकारी है उसके जो दस्तावेज़ हैं उसको उन्होंने देखा यहाँ पर। और साथ ही साथ NER के निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, जितने भी अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद डालीगंज जंक्शन पर। सामने आप देख सकते हैं CRS इंस्पेक्शन शुरू हो गया है, 3 मार्च ऐतिहासिक दिन आज, और डालीगंज जंक्शन से ये CRS इंस्पेक्शन शुरू हुआ है 11:15 बजे। और यहाँ पर अब लेवल क्रॉसिंग से आप देख सकते हैं सामने मोटर ट्रॉली आ रही हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ट्रैक से ये मोटर ट्रॉलीज चलाई जा रही हैं, जो कि नया ट्रैक डाला गया है जिसको विस्तार दिया गया है ठोकर लाइन से। और आगे ट्रॉली आ रही है, सबसे पहले एक आप देख सकते हैं मोटर ट्रॉली आ रही है और लेवल क्रॉसिंग के ऊपर यहाँ पर RPF के जो जवान हैं मुस्तैद, सुरक्षा इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और ट्रॉली अभी यहाँ पर रुक गई और देखिए फिर से ट्रॉली आगे चल पड़ी है, जहाँ पर पीछे पॉइंट आ रहा था वहाँ पर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी थोड़ी देर रुक गए, उनकी ट्रॉली रुक गई थी, अब यहाँ पर ये आगे ट्रॉली जा रही है। और इस ट्रॉली के ठीक पीछे वाली ट्रॉली में, यानी कि ट्रॉली नंबर 2 नंबर की ट्रॉली पे हमारे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी बैठ करके आ रहे हैं, उनकी झलक हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये जो ट्रॉली अब आ रही है वीडियो में आप देख रहे हैं सामने से, इसमें जो सबसे सामने शख्स आपको बैठे दिख रहे हैं, हैट लगाए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हैं, जो सामने शख्स आपको दिख रहे हैं ट्रॉली के राइट हैंड साइड पर, ट्रॉली जा रही है बादशाह नगर की दिशा में, तो राइट हैंड साइड पर जो चेयर है उसके ऊपर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी बैठे हैं। और इस नए ट्रैक से ट्रॉलीज आगे जा रही हैं, मोटर ट्रॉली निरीक्षण हो रहा है डालीगंज मल्हौर रेलखंड का, जो दोहरीकरण के कार्य यहाँ पर कराए गए हैं उनका बारीकी से वो निरीक्षण करेंगे एक एक चीज़ का गहनता से। सबसे पहले यहाँ पर आगे कर्व है, उसको जांचेंगे, उसको देखेंगे कर्व को, फिर हमारा जो डालीगंज का SSP है वहाँ पर नापजोक होगी कुछ, वहाँ पर ये काफ़िला कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का रुकेगा। तो ट्रॉलीज एक के पीछे एक देखिए यहाँ पर निकल रही हैं बीच वाले ट्रैक से, जो कि नया ट्रैक डाला गया है, और साथ ही साथ रेलवे के बाकी के जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो भी साथ ही साथ चल रहे हैं। ये लेवल क्रॉसिंग है हमारी डालीगंज जंक्शन की, जहाँ से इस समय मोटर ट्रॉलीज निकल रही हैं। निरीक्षण शुरू हो गया, थोड़ा विलंब हो गया निरीक्षण में, आज सुबह 9 बजे के आसपास टाइम बता रहे थे लेकिन शुरू होते होते 11 बज गया। तो यहाँ पर देखिए मोटर ट्रॉलीज एक एक करके जा रही हैं, दोनों तरफ पब्लिक का हुजूम लगा हुआ है क्योंकि क्रॉसिंग बंद हो गई है। और बीच वाले ट्रैक से यहाँ से जो नया ट्रैक डाला गया है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आगे बादशाह नगर की दिशा में, अब ट्रॉलीज हमारी पहुँच रही हैं आगे कर्व के ऊपर। सुबह पहले लोको ट्रायल हुआ था, आगे एक लोको भेजा गया WAP-4 गोंडा शेट का, और ये अब हम लोग पहुंच गए आगे SSP के पास, लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए सामने काफिला रुका हुआ है कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का और यहाँ पर नया SSP एनर्जाइज हो गया है, चालू हो गया है, जिससे कि पावर सप्लाई अब हमारे रेलखंड को दी जा रही है।
पीछे सीआरएस साहब की ट्रॉली रुकी हुई है और उसके ठीक आगे जो कर्मचारी हैं, टेक्निकल हमारा जो स्टाफ है, टीम के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो एक एक चीज़ का जो मेजरमेंट है बारीकी से यहाँ पर, चूँकि आगे पॉइंट आ रहा है जिसमें सीतापुर वाले ट्रैक से पॉइंट बना करके ट्रैक आगे आता है, वो ट्रैक यहाँ पर कैची उसकी बनाई गई है डाउन ट्रैक में, और डाउन ट्रैक पूरी तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आगे बादशाह नगर तक अब बिल्कुल नया ट्रैक ये हो गया है। तो यहाँ पर देखिए नापजोक चल रही है, मेजरमेंट लिए जा रहे हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर कैची है और पीछे उनका काफिला रुक गया है जहाँ पर लतीफ़ खान जी जो भी नापजोक है, मेजरमेंट्स हैं, मानक के अनुसार चीज़ों को देख रहे हैं। आगे भी आप देख सकते हैं ट्रैक नपाई चल रही है, तमाम सारे सुबह से लोग आज लगे हुए हैं, बहुत व्यस्त दिन आज का जाने वाला है 3 मार्च, और बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कल से हम फोकस करेंगे। आज पूरा दिन सीआरएस निरीक्षण को मेरा जाएगा क्योंकि स्पीड ट्रायल तक देर शाम या रात तक, जब तक ये पूरा नहीं होता डालीगंज मल्होर का तब तक किसी और प्रोजेक्ट की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आज 3 मार्च को शाहजहाँपुर से पीलीभीत के बीच एक नई यात्री गाड़ी और चल गई है, साथ ही साथ पीलीभीत जंक्शन से भी आउटर से ट्रैक डालने का काम वहाँ पर शुरू हो गया है, जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसके वीडियोस मैं कोशिश करूँगा आज रात तक अगर संभव हो पाया, नहीं तो कल इनके वीडियोस जो आ गए हैं मैं आपको कल अपलोड उसको करूँगा, कल अपडेट आपको उसकी दूँगा, क्योंकि आज जैसा आप जानते हैं यहाँ पर लखनऊ में जो कि मेरा अपना होम टाउन है, शहर है, सीआरएस निरीक्षण चल रहा है डालीगंज मल्होर सेक्शन का, जो कि हम विगत कई सालों से, आप कह सकते हैं 4 साल से ऊपर हो गया, इसको कवर कर रहे हैं। तो आज फुल डे मेरा जो है इसमें ही जाएगा, तो और अन्य किसी चीज़ पर जैसे आप लोग मैसेज मुझे कर भी रहे हैं तो मैं अभी और कहीं फोकस नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कल से बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बात होगी, आज सीआरएस निरीक्षण पर ही सारी बात चलेगी, सारे वीडियोस आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा नया एसएसपी अब तैयार हो गया है, तो यहाँ पर चीज़ों को लतीफ़ खान जी ने देखा और परखा, उसके बाद उनका काफिला आगे अब बढ़ चला है रैदास मंदिर वाली हमारी जो लेवल क्रॉसिंग है उस दिशा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने से ट्रॉलीज आ रही हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है आज, बहुत ही ऐतिहासिक दिन, विशेषकर डालीगंज के आसपास जो लोग रहते हैं, हमारे तमाम सारे सब्सक्राइबर्स, क्योंकि एक बार फिर से डालीगंज जंक्शन से ही सीआरएस निरीक्षण शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रॉलीज देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं रैदास मंदिर वाली हमारी जो लेवल क्रॉसिंग है उस दिशा में, और जैसे जैसे निरीक्षण आगे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे फिर जो ट्रैक की मेजरमेंट्स हैं और जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो नोट होती जाएंगी, और उसके बाद स्पीड ट्रायल देर शाम तक होने की संभावना है। तो ट्रॉलीज आप जैसा देख सकते हैं अब आरओबी की तरफ जा रही हैं, नाप जो चल रही है बराबर। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस निरीक्षण को बहुत ध्यान से देखिए देख रहे हैं। यहाँ पर भी रिहायशी एरिया है ट्रैक्स के पास में, तो बाद में हो सकता है यहाँ पर भी एक सुरक्षा दीवार रेलवे उसका निर्माण करे, उस पर विचार करे बनाने को, क्योंकि लोग यहाँ पर ट्रैक्स को क्रॉस करते रहते हैं दिन भर, बच्चे भी खेलते रहते हैं, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं तमाम सारे जो मकान यहाँ पर बने हुए हैं, इस साइड अलीगंज लोकेलिटी लगती है ट्रैक्स के बाद में, और इस दिशा में निराल नगर लगती है जहाँ पर अभी हम जिस तरफ खड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम लोग का जो काफिला है आगे वो पहुँच गया है रैदास मंदिर वाली लेवल क्रॉसिंग पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नए सिग्नल लगाए गए हैं वो जल रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए पैमाइश शुरू हो गई है, जो बूम की दूरी है ट्रैक से फाटक की उसको नापा जा रहा है, और धीरे धीरे सीआरएस साहब जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सामने इधर बादशाह नगर की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब जो मेजरमेंट्स हैं उनको किया जा रहा है, आगे आगे जो टीम पहले आ जाती है, ये हमारी लेवल क्रॉसिंग है यहाँ पर,
रैदास मंदिर वाली, और सामने से देखिए जो ट्रॉलीज हैं वो आ रही हैं धीरे धीरे। वहाँ पर एक पुल पड़ता है जहाँ पर कर्व है आगे मोड़ के पास में, तो उस पुल का निरीक्षण कर रहे थे सीआरएस साहब। एक छोटा सा पुल है जिसके नीचे बरसाती नाला है आप कह सकते हैं, प्रकार से पानी वहाँ से निकलता है, तो उसको देख रहे थे जल निकासी वहाँ पर क्या व्यवस्था है। और ये जो आगे वाली ट्रॉली आ रही है इसके ठीक पीछे ट्रॉली नंबर 2, उसके अंदर सीआरएस साहब बैठे हैं। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं जिस पर ट्रॉली आ रही है हमारा डाउन लाइन, ये पूरा ही ट्रैक यहाँ पर नया बिछाया गया है जैसा आप जानते हैं दोहरीकरण में, और इधर वाला ट्रैक हमारी अपलाइन हो जाएगी। ये पुराना ट्रैक है जिस पर ट्रेन्स चला करती थी। तो देखिए धीरे धीरे अब सीआरएस साहब का काफिला पहुंच रहा है रैदास मंदिर वाली लेवल क्रॉसिंग पर। लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रॉली के सीआरएस लतीफ़ खान साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी। और देखिए धीरे धीरे अब ट्रॉली उनकी यहाँ रैदास मंदिर लेवल क्रॉसिंग पर पहुँच रही है। तो रैदास मंदिर लेवल क्रॉसिंग के ऊपर सामने आप देख सकते हैं सीआरएस साहब की ट्रॉली रुक गई है। यहाँ पर अब जो मेजरमेंट्स हैं ट्रैक्स के और जो आसपास यहाँ पर कार्य किया गया है, ओएचई का कार्य हुआ है, तो सब की मेजरमेंट यहाँ पर होगी। हाइट वगैरह उसकी जो होती है देखी जाएगी, और उसकी यहाँ पर तैयारी टेक्निकल स्टाफ हमारा कर रहा है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे पीछे के जो ट्रॉली है उससे उतर करके जो लोग हैं सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीआरएस साहब की ट्रॉली रुक गई है रैदास मंदिर लेवल क्रॉसिंग के ऊपर। आरपीएफ के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं ड्यूटी पे, और अब यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हैं सारे, जो पैमाइश है एज़ पर आरडीएसओ स्पेसिफिकेशंस, जो सारे कार्य यहाँ पर कराए गए हैं उनकी गुणवत्ता और वो मानकों के अनुसार ठीक से हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसी का वो गहन निरीक्षण कर रहे हैं। हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, हर चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए उनका काफिला रुक गया है, सब ट्रॉलीज अब रुक गई हैं लेवल क्रॉसिंग के ठीक पहले। यहाँ पर सीआरएस साहब की ट्रॉली रुक गई है, और जो हमारे टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं जो साथ साथ लड़के चल रहे हैं, तो अब यहाँ पर हर चीज़ का जो भी मानक है उसको वो पूछ रहे हैं निरंतर, और सब नोट हो रहा है, डिटेल्स सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अभी मेजरमेंट होगा आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा आप किस प्रकार से चीज़ों को नापजोक यहाँ पर की जाती, किस तरह से नापा जाता है, हाइट वगैरह हर चीज़, क्योंकि यहाँ ऊपर आरूबी जा रहा है जो कि हमारे कपूरथला से आता है, और आईटी कॉलेज की दिशा में ये पुल गिरता है। पीछे हमारे आईटी कॉलेज की दिशा है, इधर सामने हमारे कपूरथला अलीगंज की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये तैयार हो गया है, और जो उसकी हाइट है यहाँ पर सड़क से ऊपर हमारे ओएचई तार की, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मेजर किया जा रहा है। देखिए लेवल क्रॉसिंग के ऊपर जो ट्रैक डाला गया है, तो देखिए पैमाइश चल रही है, मेजरमेंट हो रहा है, और हर चीज़ नोट हो रही है यहाँ पर। पुराने बूम जो थे उनको खोल दिया गया है, नए बूम अब संचालित हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए किस प्रकार से मेजरमेंट्स यहाँ पर लिए जाते हैं, किस प्रकार से चीज़ों की पैमाइश होती है, किस प्रकार से नापजोक यहाँ पर की जा रही है। जितने भी तकनीकी टीम के हमारे सदस्य हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल विभाग के जो होते हैं हमारे जो ओएचई एक्सपर्ट हैं, और जो आरओबी है देखिए उसकी हाइट भी, पुल की हाइट कितनी है उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। नीचे फीता लगाया जा रहा है, देखिए किस प्रकार से जो हाइट है उसकी उसको नोट किया जा रहा है बाकायदा। तो सीआरएस निरीक्षण में हर चीज़ बहुत बारीकी से देखी जाती है।
तो सामने आप देख सकते हैं सीआरएस साहब की ट्रॉली यहाँ पर रुकी हुई है और यहाँ पर जो टीम के सदस्य हैं मेंबर्स हमारे वो सब जितनी चीज़ें होती हैं मानकों के अनुसार चेक कर रहे हैं, उनको नोट कर रहे हैं। तो ट्रॉली देखिए अब बढ़ चली है आगे महानगर वाली लेवल क्रॉसिंग की तरफ, बादशाहनगर स्टेशन की तरफ जो कि मुख्य पड़ाव होगा, पहला स्टेशन है डालीगंज बल्हौर दोहरीकरण के अंदर, जिसका निरीक्षण करेंगे लतीफ़ खान जी हमारे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी। आरपीएफ के जवान यहां पर लगे हुए हैं और देखिए एक एक करके ट्रॉली रैदास मंदिर लेवल क्रॉसिंग से अब आगे जा रही है। यहाँ तक का जो कार्य है ट्रैक का, यहाँ तक का जो निरीक्षण है, जो चेकिंग है वो पूरी हो गई, कंप्लीट कर ली, सब मानक के अनुसार कार्य यहाँ पर देख लिया उन्होंने। अब आगे जा रहे हैं बादशाहनगर स्टेशन की तरफ। तो रैदास मंदिर लेवल क्रॉसिंग से काफिला अब आगे बढ़ चला है, सीआरएस टीम हमारी जो है वो अब आगे जा रही है। एक एक करके ट्रॉलीज यहाँ से निकल रही हैं, आप देख सकते हैं सामने। तो पार्ट टू में हम रैदास मंदिर तक डालीगंज से जो कार्य हुए आज सीआरएस निरीक्षण के, इसको दिखा रहे हैं आपको। अब बादशाहनगर साइड क्या कुछ हुआ निषादगंज लेवल क्रॉसिंग पर, वो आप देखिएगा सीआरएस इंस्पेक्शन पार्ट थ्री में इस वीडियो के बाद। तो उम्मीद है कि ये कवरेज आपको पसंद आ रही होगी, काफ़ी डिटेल में कवरेज करने की कोशिश की है जितना मुझसे बन पड़ा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो।